हेलो दोस्तों, राजू टीआरसी टेक में आपका स्वागत है। आइए आज हम S61 का मदरबोर्ड चेक करते हैं, जिसका देखिए मॉडल नंबर है S61 MXP। तो पूरा आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारा एनालाइजर है, कुछ लोग डीबग कार्ड ही बोलते हैं, कुछ लोग डायग्नोस्टिक कार्ड ही बोलते हैं, और हमने SMPS के कनेक्टर लगा दिए हैं और पावर SMPS के ऑन कर दिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पैनल है, पावर पैनल, और इधर की जो चार पिनें हैं, पहली और दूसरी को शॉर्ट करके ऑन का स्विच होता है। तो हम इसको शॉर्ट कर देख रहे हैं, तो बट ये ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पैनल पे हमारी वोल्टेज आ रही है नहीं होंगी। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम इसको डीसी रेंज पे रखेंगे मल्टीमीटर को 20 पे, और एक ग्राउंड के रेस्पेक्ट से वोल्टेज चेक कर लेंगे कितना हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए ये ग्राउंड होता है और ये वोल्टेज होती है। तो आप देखिए मीटर में 3.29 वोल्टेज आ रही है, बट हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा आपको पता ही होगा कि इसमें i3 3240 यानी थर्ड जनरेशन है, जो पहली डिजिट होती है वो मेज़र करती है कि कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसमें i3 थर्ड जनरेशन लगा हुआ है, और ये आपका 3.40 GHz का प्रोसेसर है, ठीक है। तो अब आइए एक बार हम इसको CMOS को क्लियर करके देख लेते हैं। यहाँ से पावर ऑफ कर लेते हैं, और CMOS, ये हमारा CMOS सेल होता है जो कि 3 वोल्ट का होता है। इस पर आप देख रहे हैं कहीं लिख ही रहा होगा 3 वोल्ट दिख रहा है। हाँ 3 वोल्ट मुझे तो इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दिया है, बट हमारे सुरेंद्र जी को इसमें दिखाई दे गया कि 3 वोल्ट है। बट आप हम वैसे भी इसको चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू कि 3 वोल्ट का होता है। तो फिलहाल ये हमारा सेल डिस्चार्ज है। तो आप चलो कोई नहीं, इसको हम रख लेते हैं। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास और भी सेल होते हैं जिसमें कि हमारा ये पता चल जाता है कि 3 वोल्ट का है। देखिए ये हमारा ये 3 वोल्ट इस पर लिख रहा है, ठीक है। तो ये 3 वोल्ट का ही होता है, और इसको चेक कर लेते हैं कि कितना ये चार्ज होता है। देखिए 3.07 दिखा रहा है, तो थोड़ा हमारा मल्टीमीटर उस रेंज का है नहीं, वो इम्पीडेंस 2-4 दिखाता रहता है पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि 3 वोल्ट का होता है हमारा। तो देखिए दोस्तों, एक बार हम फिर दोबारा ऑन करके देख लेते हैं इसको। देखिए अभी भी हमारा ये मदरबोर्ड ऑन नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा आपको पता ही होगा कि रैम सेक्शन होता है, ये VRM सेक्शन होता है, CPU का ये 12 वोल्ट होता है, ठीक है। और ये आपका पता ही है कि कौन सा, ये ऑडियो जैक होते हैं, USB, ये भी USB, ये आपका VG होता है, ठीक है। तो ये PCI होता है, ठीक है। तो ये साउथ ब्रिज होता है, इसको PCH बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, इसका ऑन आपका वोल्टेज भी आ रहे हैं और नहीं ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले हम IO को चेंज करते हैं, जो कि इनपुट आउटपुट चिप होती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने किसी दूसरे मदरबोर्ड में से हमने इसको IO को चेंज कर लिया है, बट फिर भी हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप इस पे ज़्यादा काम ना करके, आपके पास कोई ऐसा मदरबोर्ड आता है तो आप ज़्यादा इस पे काम ना करके, आप फिर इसका IO चेंज करके, फर्स्टली आपका इस जो साउथ ब्रिज होता है, देखिए इसमें हीट हो रहा है, ठीक है। और इसकी हम इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं कि हमारा ख़राब है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो हीट सिंक लगा रहता है, आप उसको निकाल लें। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है, और कंप्लीट नॉलेज लें आप। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हम बजर बीप मोड पर रखेंगे मल्टीमीटर को,
और ये जो आपका देखिए आपका जो पीसीएच, इसको पीसीएच ही बोल देते हैं। सबसे पहले आप आयो, मैंने जैसे ही बताया था, आयो चेंज करने के बाद आप इसको देखेंगे कि ओवरहीट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि आपका ओवरहीट हो रहा है तो ये पीसीएच शॉर्ट है। यदि आपका ओवरहीट नहीं हो रहा है तो आप क्या कैसे चेक करेंगे कि हमारा पीसीएच ख़राब है या सही है, या मदरबोर्ड में और क्या हमें रिपेयर करना है, क्या कंपोनेंट चेंज करने हैं, वो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीमीटर को डीप रेंज पे रखना है और इस तरह से चेक करना है। 1.1 हमारा इसमें कनेक्टिविटी दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, आप ये वाले जो इसके ऊपर कैपेसिटर लगे रहते हैं इनको आप चेक कर लेंगे तो देखिए दोस्तों ये 4 दिखा रहा है, यानी कि, और वैसे चेक करेंगे आप तो हमारा इसकी रेंज 1.1 है, तो ये अभी आप देख रहे हैं अभी 5 दिखाने लगा, ठीक है। तो यानी कि 4 या 3 दिखा रहा है। आप यदि 15-20 से ऊपर आता है ये इसकी वैल्यू तो ये हमारा गुड है, यदि उससे हमारा नहीं आता है तो ये हमारा शॉर्ट होता है। आप सबसे पहले इसको जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपका जो टाइम है, देखिए दोस्तों मैं एक एक करके सारा आपके सामने चेक कर रहा हूँ, ठीक है। सब 5.1 ही दिखा रहा है, तो यानी कि 4.1 है ये। आप यदि इतना आप जो है 15 से ऊपर दिखाता है तो आपका ये पीसीएच बिल्कुल वेरी गुड है, और 15 से आप नीचे इम्पीडेंस दिखाता है तो ये ख़राब है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करके मदरबोर्ड को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि ये नॉट रिपेयरेबल होता है। हालांकि ये जो चिप ये रिवॉल्व होके दोबारा भी लग जाती है, बट उसके लिए बहुत खर्चा होता है, और ये जो है 80% कामयाब नहीं होती है, सक्सेस नहीं होती है, हमारा बोर्ड नहीं चल पाता है और इसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो आप इसकी चिप को रिवॉल्विंग ना कराएं, मदरबोर्ड को रिजेक्ट करके दूसरा मदरबोर्ड परचेज कर लें नया। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारे वीडियो से बने रहें, जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई तुरंत देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।